शिवाय, ॐ नमः शिवाय। पांच कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर, मंत्र की महत्ता, ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्धान। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि पांच कृत्यों के लक्षण क्या हैं? यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये पांच ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्धि हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझ में पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे पांच कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो चार कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। पांचवा कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन पांच कृत्यों को पांचों भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है, आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन पांच कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे पांच मुख हैं। चार दिशाओं में चार मुख हैं और इनके बीच में पांचवा मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक दो कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये दो अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई पा नहीं सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी कि ओम प्रकट हुआ जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार पांच अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक अक्षर हो गया। यह नाम रूपात्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्रणव मंत्र से व्याप्त हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है।
इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह अकारादि क्रम से और मकरादि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृ का वर्ण प्रकट हुए हैं जो पांच भेद वाले हैं। उसी से शिरोमंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्राकट्य हुआ है। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्रराज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक यानी कि मोक्ष प्रद हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदनंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक तीन बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन दोनों शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभो आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके पांच मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्म स्वरूप पांच कृत्य वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पद्यों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आर्द्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महा आर्द्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वसु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आर्द्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और संगव यानी कि मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशित व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेनी चाहिए, क्योंकि परवर्तिनी तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं।
फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है, इसलिए मुमुक्ष पुरुषों को चाहिए कि वे वेद यानी कि मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओमकार मंत्र से वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यम उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हो गए। ॐ नमः शिवाय। 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 ॐ नमः शिवाय।